हमेशा से माना जाता है कि डिफेंसिव सेक्टर है और आज उसी का रोल प्ले करता हुआ। अगर बाजार की बात की जाए इस वक्त, तो बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लगातार हमने तेजी देखी बाजारों में पिछले हफ्ते, और अगर बात किया तो 27,796 का लेवल, करीबन 28,000 को छूने की कोशिश कर रहा है बाजार। 99 पॉइंट्स की गिरावट, एक हेल्दी करेक्शन मानते हैं अविनाश इसको आप? डेफिनेटली मार्केट्स में जो करेक्शन आया है मेरे ख्याल से ज्यादातर सेंटिमेंट ड्रिवन है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी इमीडिएट कंसर्न मार्केट्स को ग्रीस को लेके है। ग्रीस में हमने देखा है कि लगातार लास्ट 4-5 दिनों से जो डील करने की बातें हो रही थी, शायद इसमें अभी भी थोड़ी सी अटकलें हैं। वीकेंड तक अगर कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है तो मैं समझता हूँ ये डाउन ट्रेंड और ये जो वीक सेंटिमेंट है शायद अगले हफ्ते में भी आ सकता है। आने वाले हफ्ते में मैं समझता हूँ कि क्लियरली ये इवेंट थोड़ा सा मार्केट्स को एक नेगेटिव अंडरटोन देगा, क्योंकि भले ही इंडियन मार्केट्स को इससे डायरेक्टली कोई कोरिलेशन ना सही, लेकिन जो यूरोपियन बैंक्स है, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ग्रीस यूरो से निकलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में दिक्कतें रहेंगी, थोड़े बहुत एफआई के आउटफ्लोज भी होंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच वीकेंड के, अगर ये कोई सोल्यूशन आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली आपको एक अच्छी पॉजिटिव अंडरटोन देखने को मिलेगी। टिल दैट टाइम आई थिंक वन हैज टू बी कॉशियस। Mr. Gorakh, sir, which stocks are sensitive to the Greek situation? Would there be IT sector for one? I mean, just throw some light on this. I think in terms of sectors, clearly, I think probably some of the private sector banks which have got some global kind of linkages, I think clearly possibly ICICI Bank, or for that reason even an Axis Bank, I think high beta sectors would definitely take a beating. And mind you, although the sector may not be directly related, I think sentiment wise, whichever high beta sectors are there, it could possibly mean infrastructure, it could possibly mean construction, or maybe even the private banks. I think these are sectors which possibly in the short term could possibly see some correction. I think we have seen the private banks move quite sharply in the last 2 weeks. So clearly, I think if any news of a Greece exit happens, I think you're going to see these high beta sectors first getting impacted. I think probably IT and pharma would be defensives, and probably investors would like to hide with these sectors for the time being because they offer better stability. अविनाश, अगर हम जुलाई सीरीज की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं सिर्फ सोमवार और मंगलवार 2 दिन रह जाएंगे तब जून सीरीज का अंत हो जाएगा। ऐसे में जुलाई सीरीज के लिए जो मेन ट्रिगर्स माने जा रहे हैं वो मॉनसून तो है ही है, साथ ही साथ मॉनसून का सत्र शुरू होने वाला है। नतीजों की बात अगर की जाए तो मार्केट किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार जो नतीजे आने वाले हैं उनको लेकर, क्या किसी तरह का ब्रॉड लाइन एक्सपेक्टेशन है या फिर हम डाउन द लाइन प्ले कर रहे हैं? आई थिंक अगर हम ट्रिगर्स की बात करें जुलाई एक्सपायरी के लिए, तो मुझे लग रहा है कि मानसून का ट्रिगर डेफिनेटली पॉजिटिवली प्ले आउट हो चुका है। मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही है कि जैसे जून में बारिश हुई है, मानसून अगर जुलाई में सस्टेन होता है तो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। रही बात कंसर्न्स की, तो Q1 के जो नतीजे आएंगे वहां पे मोटा मोटी जैसे हमने Q4 में डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स देखे थे, शायद वैसा ही ट्रेंड हमको Q1 में भी देखने को मिले। और रही बात मानसून सेशन की, तो मैं समझता हूँ जो 19 तारीख को मानसून सेशन शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो GST रहेगा। यहाँ पे अगर GST का बिल गवर्नमेंट कंफर्टेबली पास करता है तो मार्केट्स के लिए ये जुलाई में काफी अच्छी रेटिंग वाली बात होगी। अगर नहीं होता है तो मेरे ख्याल से काफी डिसअपॉइंटिंग रहेगी। तो आई वुड से दैट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और क्लियरली ये मानसून सेशन, ये दो इवेंट रहेंगे जो जुलाई के महीने में काफी मार्केट्स को वोलेटाइल रखेंगे। बेहतरीन तौर पर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की अगर बात की जाए और साथ ही साथ मानसून का जो सेशन है उसको अगर लेकर बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अहम ट्रिगर्स माने जाते हैं।